सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी, होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो भैया, अगर आप भी हो चुके हो गर्मी से परेशान इंदौर की, तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बढ़िया सी शानदार सी लोकेशन। मतलब इस गर्मी में आपको देगी क्यों मोहित, ठंड का एहसास। तो अभी हम आ चुके हैं स्नो सिटी। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, टिकट प्राइजेस क्या है, क्या सारा वो है, मतलब कितनी देर तक आप स्नो पार्क में रुक सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप स्नो सिटी भी जाने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और हाँ, किसी को ये नहीं पता स्नो सिटी क्या है, तो वो तो अभी पता चली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार ही बता देता हूँ। अंदर स्नो पार्क बना है, अंदर जाने के बाद बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है। ये देखो कितनी कड़कड़ाती धूप है, अंदर आपको ठंडाई का एहसास होगा। माइनस में कितने डिग्री वो रहता टेम्परेचर अभी तो नहीं पता, लेकिन माइनस में रहता। तो फटाफट अंदर चलते हैं, अंदर की सारी चीज़ें बताते हैं, टिकट प्राइजेस और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो भैया, यहाँ पे एंट्री चार्जेस की बात की जाए तो सेपरेट एंट्री चार्जेस भी हैं और कॉम्बो भी मिल जाएंगे, मतलब दो प्रकार के आपको मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ स्नो पार्क जाना चाहते हैं तो एडल्ट के 3 फीट से ऊपर 700 रुपीज़ हैं, बच्चों के लिए 500 रुपये, और इसके अलावा अगर आप VR गेम करते हैं तो उसके 100 रुपीज़ हैं। पूल टेबल 150, 100 टनल 200 रुपीज़, और कुछ इस साइड में जैसे जिपलाइन वगैरह करते हैं, VR करते हैं, तो ये सभी के प्राइजेज हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है एक कॉम्बो का, तो इसमें सारे कॉम्बो हैं, ये वाला 1100 का और ये 1000 रुपीज़ का, और ये चिल्ड्रन के लिए 900 रुपीज़ का। ये सारे हो गए भैया, ये कॉम्बो हो गया, और ये सेपरेट चार्जेस हो गए। एक बारी मोहित भाई लोकेशन बता दो, लोकेशन कहाँ पे? वर्ल्ड कप 7 बाईपास की ओर आएंगे, वहीं पे राइट साइड पे आपको मिल जाएगा 500-600 मीटर दूर। हाँ, बिचोल मतलब ये समझिए बिचोली मर्दाना के पास आओगे तो यहाँ पे देखो, सबसे बढ़िया कंफ्यूजन मत हो, आपको गूगल मैप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आपको यहाँ तक आने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बात की जाए भैया, अगर आप स्नो पार्क में अंदर आते हैं तो आप कितनी देर तक अंदर स्टे कर मतलब रुक सकते हैं? तो भैया, जितनी देर आपसे रुकते बने उतनी देर तक आप रुक सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम है 700 रुपीज़ में। बस सिर्फ एक शर्त है कि अगर आप जैसे एक बारी बाहर आ जाते हो तो दूसरी बार अंदर नहीं जा सकते, मतलब री एंटर अलाउ नहीं है। और एक चीज़ और मुझे काफ़ी बढ़िया लगी यहाँ की, वही एक चीज़ मुझे पता है यहाँ की क्या बढ़िया, जिपलाइन वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें ना इंडोर है, मतलब कि अगर गर्मी में आप जैसे बाकी सारी जगह जाते हो तो सारी बाहर है, मतलब धूप देखनी पड़ती है, धूप में परेशान हो जाते, लेकिन यहाँ पे सारी एक्टिविटी जो भी है ना सारी भैया देखो इंडोर में, ये देखो, जिससे आपको धूप बिल्कुल भी नहीं लगेगी और एक अंदर अलग ही एटमोसफेयर रहेगा। ये ऊपर जिपलाइन हो गई, तो फटाफट अभी अपन अंदर चलते हैं और स्नो पार्क में चल के आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन सारी देते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हो टिकट वगैरह लेकर, तो आपको इस टाइप का हॉल मिलता है, यहाँ से आपको कॉस्ट्यूम मिलती है। और हाँ, एक बारी कॉस्ट्यूम का बता देता हूँ, ये जो कॉस्ट्यूम है ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, जो अपन टिकट लेते हैं उसी में इंक्लूड रहता है, एडिशनल कुछ चार्ज नहीं है। ये ऊपर जैकेट देंगे और नीचे पैंट देंगे और बूट देंगे अपने को पहनने के लिए, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अपने साथ सॉक्स कैरी करें, अगर सॉक्स नहीं लेकर आते हैं तो 30 रुपीज़ उसके आपको परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आप बूट पहनोगे ना तो बिना सॉक्स के नहीं हो पाएगा, ठीक है। चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ रखी है, और अपने जूते वगैरह आप ये कैरेट में रखकर अंदर जा सकते हैं। तो फटाफट, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अंदर जाने की, हमने साथ वालों से पूछता हूँ उन्हें कितनी एक्साइटमेंट है। मोहित, आर यू एक्साइटेड? चले, कितनी देर रुकेगा अंदर? रेडी हो गया, पेंट तो पहन ले, चल आज अपन एक वो रखते हैं, जो सबसे कम देर रुकेगा वो पैसे देगा यहाँ के। डन डन, कौन रुकेगा, तू या मैं? ऑफ कोर्स मैं। चल ठीक है, डन। तो गाइस, अभी हमारी दोनों की वेट लगी है, जो सबसे कम देर अंदर रुकेगा वो यहाँ के पूरे पैसे देगा, ठीक है मोहित? ठीक है ना, चलो देखते हैं। गाइस, तो अभी हो रहे हैं 3:14 और अभी हम आ गए हैं अंदर। अंदर आकर बिल्कुल ही अलग ही लग रहा है, एक अलग एटमॉस्फेयर हो गया, लगभग -7-8 डिग्री टेम्परेचर है अंदर का। ये क्या है, धुआं निकल रहा है, ठीक है भैया। अंदर अभी हम मज़े करते हैं और आपको भी मज़े करा दे। देखो अंदर एक बार दिखा देता हूँ मैं क्या क्या। देखो यहाँ पे फोटो शूट कराने के लिए ये हो गया, ये तो अपना एंट्री गेट हो गया, और इसके बाद ये फोटो शूट कराने के लिए इधर ऊपर हो गया, और यहाँ से एग्जिट है। फिर एक्टिविटी बता देता हूँ, यहाँ से ऊपर जाना है
और एक वहाँ एक्टिविटी है और एक ये एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी है यहाँ पे और एक तीसरी ये यहाँ से ऊपर चढ़ने की है। ठीक है, ये तो कुछ एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा यहाँ पे फोटोशूट के बहुत सारे पॉइंट बना रखे हैं जो काफ़ी बढ़िया, कैमरामैन भी हैं यहाँ पे जो मुझे बहुत बढ़िया लगे। ठीक है, अंदर आपको मिल जाएगा एक छोटा सा मतलब कैफ़े टाइप का मिल जाएगा। कैफ़े पे क्या मैगी वगैरह मिल जाएंगी जो नॉर्मल एक कैफ़े पे होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो फटाफट अभी अपन यहाँ के मज़े करते हैं और आपको भी मज़े कराते हैं। सीढ़ी खाली पड़ी है, सीढ़ी छोड़ के खातर भाई इधर से आए हैं। उसको लाके क्या करेगा यहाँ पे? देखो बहुत गर्मी लगती है ना, इसलिए तेरे बिस्तर पे रखूंगा। बिस्तर पे रखेगा? नहीं यार, हमारे पास कूलर है ना, कूलर बड़ी वाली। देखो बहुत गर्मी लगती है, असली घटना यहाँ पे है क्योंकि ये तो देखिए बर्फ नहीं आया। इसको घर रख लेना भैया, रास्ते आपको दो मिल जाएंगे, लेकिन मैं इससे आया जिससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, एक बढ़िया सी चीज़ ये है कि जो ब्रिज है ना ये काफ़ी बढ़िया, अभी इस पर चलेंगे ना अपन। इधर आओ, ये देखो जैसे मैं इस पर गया ये तो ये पूरा हिलने लगेगा, मैं हिलूँगा तो जंप मत करना। बोला आराम आराम से आओ ऐसा। और यहाँ पे एक स्लाइड ये और एक स्लाइड वो, तो ये स्लाइड पे क्या बोल रहे, मजा आ रहा है तुझे? ठंडा ठंडा लग रहा मुझे तो पैरों में बोल। ऑन ब्रिज ओके भैया, स्लाइड स्टार्ट है ना? ओके चलो, तो भैया ये वाली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ से नीचे, यहाँ से थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि एकदम से मुड़ गई है। हम मोहित आ रहे हैं, मोहित के लिए रुकता हूँ। यहाँ से बहुत लोग कर गए, अगली स्लाइड में चलते हैं। चलो पर ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, और ठंड तो इतनी ज़्यादा लग रही है ना, -7-8 degrees टेम्परेचर है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हर थोड़ी क्या बात है भाई, हारने वाले हैं क्योंकि जा रहे हैं बाहर और मैं रुका हूँ यहीं पे। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है मोहित, अपन एक काम करते हैं, सबको पोस्टपोन करते, फिर कभी करेंगे, क्योंकि दोनों साथ ही जा रहे हैं तो ठंड फिट हो जाएगी, क्योंकि अभी हाथ पैर में इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी, मेरे पैर तो काम करने बंद कर दिए हैं। ठीक है, कंसुल भाई मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा गर्मी में अगर आप ठंड के मज़े लेना चाहते हैं तो स्नो सिटी आ जाइए, काफ़ी बढ़िया जगह है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, एक बारी आप बाहर हो जाते हो तो री इंटर नहीं हो सकते हैं, एक बारी के लिए आप कितनी भी देर रुक सकते हो आपके ऊपर है, पर मैं तो अब निकल रहा हूं क्योंकि हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी देखो काफ़ी लोग नीचे एक फन करने के लिए, काफ़ी सारी एक्टिविटी है, ये वाली भी खींचने वाली भी काफ़ी बढ़िया। ठीक है, यहाँ ऐसे अंदर जाकर भी फ़ोटो शूट करा सकते हैं, बच्चों के लिए वो छोटी सी सीढ़ी वगैरह, ये झूला सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे क्योंकि ये पूरा हिलते रहता अगर अपन इस पर भागते हैं तो, बाकी भागना मना है, तो अपन चलते हैं अब बाहर।
भैया अभी अपन 3:14 पे अंदर हुए थे और 4:43 हुए, लगभग 1:20 के अंदर रहे। आया मजा? ये मेरे से घर पे बोल के आया था 2-3 घंटे तो अपन बाहर नहीं निकलने वाले, लेकिन 1:20 में वो हो गया। ऐसा लगता है आपको कि आप काफी ज्यादा देर अंदर रुक लोगे, लेकिन जब वहाँ पे ठंड लगती है तो फिर यही समझ में आता है भैया आप कितनी भी देर अनलिमिटेड भले ही क्यों ना हो लेकिन बाहर चल लेना चाहिए। पैर ऐसे हो गए ना अभी मेरे, अभी सॉक्स नहीं निकालते बंदा, इतने ठंडे हो गए। ठीक है भैया, स्नो पार्क का मैंने लगभग आपको सारी चीज बता दी है। और एक और चीज, जैसे अगर आप ऊपर अंदर जो फोटो क्लिक कराते हैं तो इधर यहाँ पे आप कंफर्म कर लें और अपनी फोटो सिलेक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन फोटोज के चार्जेस रहेंगे। ठीक है भैया, ये तो हो गया अपना स्नो पार्क का। इसके अलावा भी काफी सारी एक्टिविटी यहाँ पे, तो वो सारी एक्टिविटी और बताता हूँ मैं। तो भैया जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे स्नो पार्क के अलावा भी काफ़ी सारी एक्टिविटी है और सारी की सारी एक्टिविटी इंडोर में, तो इससे आपको ये बेनिफिट रहता है कि भाई धूप में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है कि क्या ही कहने। ठीक है, यहाँ पे जिप लाइन वगैरह भी अवेलेबल है। ठीक है, नीचे बहुत सारे गेम अवेलेबल है, अभी मैं नीचे रख लूँगा तब आपको बताऊँगा। बॉलिंग वगैरह भी अवेलेबल है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर एक एडवेंचर पार्क कहें तो ये सिर्फ स्नो पार्क ही नहीं कह सकते, इसमें एडवेंचर वाली काफ़ी सारी एक्टिविटी है। फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ जिप लाइन के लिए। वही चल रहा है जिप लाइन? चलो तो फटाफट अभी जिप लाइन चलते हैं और उसका एक्सपीरियंस बताते हैं, क्योंकि ये इंडोर में है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, और वो भी ऐसी कर्व वाली। देखो इस टाइप की कुछ कर्व वाली है और ये ऊपर जाएगी वहाँ पर, तो फटाफट चलता हूँ मैं फिलहाल इस पर। भैया मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ से स्टार्ट होगी, बाकी स्टार्ट ऊपर से ही हुई है और घूम फिर कर वापस ऐसे ही नीचे जाएगी। काफ़ी बढ़िया सी है क्योंकि इसमें ऐसे बीच में कर्व कर्व आ रहे हैं ना, तो एक अलग ही वो लग रहा है। मोहित भाई से एक्सपीरियंस लेते हैं मोहित भाई का। मोहित मज़ा आया? ये वाली थोड़ी अलग सी थी क्योंकि कर्व कर्व सा था, तो एक अलग ही मज़ा आया। जराक में ऊपर हो रहे फिर नीचे हो रहे, एक बार ही मैं आपसे यही ऑनेस्ट रिव्यू यही बोलूँगा कि एक बार ही इसको ज़रूर ट्राई करना। बाकी एडवेंचर पार्क से काफ़ी अलग है ये वाली जिप लाइन, तो मस्ट ट्राई। ठीक है, तो भैया लगभग मैंने आपको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया, टिकट प्राइजेस भी बता दिया, स्नो पार्क भी बता दिया, एडवेंचर पार्क में क्या क्या एक्टिविटी है सारी बता दी। ठीक है भैया, अब बात कर ली जाए टाइमिंग की, तो टाइमिंग दोपहर 12 बजे से रात को 11 बजे तक है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया टाइमिंग है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा दोपहर के टाइम पर आइए तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और यहाँ पर एक चीज़ अलग मिलती है, इनडोर एक्टिविटीज़ मिलती हैं जो काफ़ी बढ़िया हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मुझे पहली बार देख रहे हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इंदौर की ऐसी वीडियो अपने चैनल पे आती रहती है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक।